से कि लाउड स्पीकर की बात आप कर रहे हैं, जब आप जगराते या भजन में गाते हैं वहाँ भी तो लाउड स्पीकर होते हैं, परेशानी नहीं होती? बिल्कुल होती है, रॉन्ग है। हमारे शो 10 बजे खत्म हो जाएगा, बस जो जो गवर्नमेंट का डिक्टेट है 10 बजे से 1 मिनट बाद हमको कभी भी कॉप्स अलाउ नहीं करते। आप बताइए इसका आंसर। तो क्या हम ये मानकर चले कि आप कह रहे हैं कि अजान की जो आवाज़ आती है, मंदिरों से जो आवाज़ आती है, उसके लिए रॉन्ग टाइमिंग है उसका? रॉन्ग टाइमिंग है। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे हमारे, हम सुबह उठते थे, हमारे घर के पास जो गुरुद्वारा था संतनाम वाहेगुरु चलते रहता था दिन भर, सुबह सुबह 4-4:30 बजे के टाइम पे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील हों। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ पर ध्यान देना पड़ेगा, दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता। उल्टा सोच रहे हैं आप। नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, लाउड स्पीकर का टाइम करते हैं भैया। हेलो, लाउड स्पीकर का टाइम, लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी, लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है, मुझे मेरे मत को रखने दो। बात रिपीट हो गई, सोनू आपका मत है, हम मानते हैं ये आपकी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मत ये कहना है कि प्रियंका चोपड़ा ऐसा एग्जाम्पल, वो 5 वक्त जब अजान होती है उस अजान का जल्द डायरेक्टली वेट कर, आप समझ ही नहीं, आप समझ ही नहीं, आप समझ ही नहीं, आप लोगों के बारे में क्या जवाब है, आप समझ नहीं रहे, आप आरत पे मेरी बात को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से अहमद पटेल साहब ने कहा है, आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अहमद पटेल साहब ने यह बात कही है कि आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। मैं हिंदू के कह रहा हूँ, आरती जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। एक ही बात है, आप बात के क्रक्स को समझिए, आप घुमा फिरा के ना कहिए बात। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनको उनको लाउड स्पीकर आवाज पसंद है, बस ठीक है, तो उन्हें पसंद होंगे ना, ठीक है ना। पर हम गलत टाइम पे नहीं, पर हम गलत टाइम पे नहीं गाते, हम लोग गलत टाइम पे नहीं गाते। लाउड स्पीकर उस वक्त नहीं था, डोंट बी अ चाइल्ड, लिसन टू मी, लिसन टू मी। बात टाइमिंग की है, गलत वक्त पे लाउड स्पीकर नहीं चले, बात उसकी हो रही है, समझे आप। जब हम गाते हैं तो हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए उतना टाइम पे शो करते हैं, समझे आप। क्लियर है, इतनी सी बात है, समझिए इस बात को जी। My take is that people feel that they have all the right to their opinions and celebs don't. It's as simple as that. जी बोलिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, बहुत ही समय, पर मैं पहले भारत का नागरिक हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है तो ऐसे, आपकी आने से पहले बात हो गई, आप लेट आइए, बात हो गई, सुनो मुझे ये, मैं आप लेट आई हैं, मेरी मेरा पहले जिम्मेदारी की बात आपकी बनती है, जो मैं कह रहा हूँ आप उसको पहले कंधे कीजिए, क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ में आप नहीं है, आपको सब ठीक लग रहा है। मेरा कहने का मतलब जो आप समझें इस बात को, कि मैं समझता हूँ कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, वहां पे लाउड स्पीकर नहीं होनी चाहिए। ये क्या रॉकेट साइंस है समझने में? रॉकेट साइंस तो नहीं समझने में। हाँ, अगर मैं रात को 12 बजे गाऊं तो आपका हक बनता है बोलने का, अगर आप मुझे 10 बजे के बाद गाते हुए देखें आपका हक बनता है। अभी तू कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं टाइम निर्धारित टाइम के बीच में गा रहा हूँ और अपना शो उस समय खत्म कर रहा हूँ जिस समय खत्म करना है, तब आपको क्या आपत्ति हो सकती है?